अच्छी फिल्म है। एक तो सपनों के सफ़र के सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूँ। काफ़ी अच्छा नाम है, ये काफ़ी कैची नाम है, अच्छा है। और बड़े कलाकार तो अभी दिख नहीं रहे मुझे, तो आप और भी कुछ पूछिए। अभी हितेश्वर जी, आप अपने हाल ही में आपने एक अपना सॉन्ग रैप जो है रिलीज किया है भोजपुरी में, तो ये बताएं, वो पहले गाकर सुनाएं और उसके बाद ये बताएं कि क्या प्रतिसाद मिला है मार्केट से आपको। देखिए, ओके, हाल में ही मेरा एक गाना रिलीज हुआ है और गाने का नाम है बिहार से हूँ, और मार्केट में काफ़ी अच्छा अच्छे अच्छे लोग कॉल कर रहे हैं, जो आज तक नहीं मैसेज किए वो भी किए, बहुत लोगों ने भी लाइक किया गाने को, उसका कुछ आपको सुनाता हूँ। बिहार से हूँ, बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गर्म पर दिल में सबके रहते हैं, चाहे जैसा भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं। बिहार से हूँ, बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गर्म पर दिल में सबके रहते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं। खाने हम सब सतुआ आचार, साफ सुथरा रहेला हम लोगन का विचार, मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला, और दुनिया में फेमस पारे सोनपुर का मेला, पटना में गोलघर, बगल में गंगा मैया, बिहार के धरती पर जन्म ली सीता मैया। बिहार से हूँ, बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गर्म पर दिल पर सबके रहते हैं, चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं। जी, ये भोजपुरी अच्छा आप, है। आप हमेशा कहते रहते हैं कि आपने वही रुक, हाँ जी, आप हमेशा कहते रहते हैं कि आप भोजपुरी से हैं, बिहार से हैं, रैप लाते हैं, लेकिन भोजपुरी सिंगर्स आपको नहीं अपनाते हैं, क्या खास वजह रही है? अरे जी, मेरा स्टाइल अलग है, मैं थोड़ा उन लोगों से हटके दिखता हूँ, और कहीं ना कहीं जेलिस होते हैं मुझे ऐसा लगता है, जो पसंद नहीं करते, क्योंकि रैप और सिंगर में काफ़ी अंतर है। रैप होता है जैसे गली बॉय देखे होंगे आपने, वो बस आदमी अंड सन भनभनाते रहता है, भनभनाते रहता है, कुछ भी एक अपना जज्बाती इंसान बात करता रहता है और अपने जुनून को बाहर निकालता है कैमरा के सामने, लोगों के सामने, वो रैपर है, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है हर इंसान के अपने हृदय पे। सिंगिंग तो है तो सुकून है, सिंगिंग का अलग एक पैटर्न है और रैपर का अलग है, लेकिन सिंगर लोग ऐसा नहीं है, सब जानते हैं मुझे, लेकिन भोजपुरी में बोले ना मटियाते हैं, अब मटियाने के बीच क्या ना महसूस हो जाता है, बट कैमरा में बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी सुनते रहते हैं, ये लोग सुनते हैं बात, अब अपनाते हैं ज़रूर, अपने घर में भी बात करते हैं दोस्तों यार से, कौन है, कहाँ से आया है, सही है भाई, बट अगर हमें कैमरा के सामने तारीफ़ कर देंगे तो उनके लिए गलत हो जाएगा ना, हम तो स्टार बन जाएंगे, तो ये दिल से नहीं चाहते हैं, और ऐसे नहीं है, चाहने वाले भी लोग हैं जो कि हृदय से प्यार मोहब्बत करते हैं मुझे, अपनाते भी हैं, बस ऐसा नहीं कह सकते कौन नहीं चाहता। और कुछ बात, एक आखिरी सवाल जी, जी भाई, ज़्यादातर भोजपुरी में देखा गया जो सिंगर है वो एक्टर हो जाता है, फिल्में आती हैं, तो अब आप गा रहे हैं भोजपुरी रैप, तो क्या हम फिल्मों में भी आपको देख पाएंगे? जी, कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मुझे कुछ गाने रिकॉर्ड भी किया है, एक कोलोबरेट, मतलब बिल्कुल देहाती गाना है गांव के ऊपर, और उस पर हम वेस्टर्न रैप किया उसके साथ कुछ गाने, और भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी मैं पिक्चर में भी आऊँगा एज ए हीरो। जी, क्या कहेंगे, कितने उत्साहित? अब उत्साहित तो बहुत है, अब कामना यही करते हैं कि नेशनल अवार्ड मिल जाए, चाहे जिस कैटेगरी को मिले, लेकिन मिले ज़रूर, और फिल्म वैसी बनी भी है कि उसे नेशनल अवार्ड मिलनी चाहिए, गाने वैसे हमने बनाए हैं कि उसे नेशनल अवार्ड मिलनी चाहिए, तो कोशिश है और सफ़र जारी है। किया हुआ है वो, अगर एक लाइन नहीं, अभी मैं सुना नहीं सकता क्योंकि अभी
फिल्म ऑन प्रोसेस है और गड़बड़ हो जाएगा सुनाने से, लेकिन फिल्म फिल्म कहानी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और जो जो सब्जेक्ट है फिल्म का वो है शिक्षा के ऊपर है, और जो भी आदमी फिल्म देखेगा एक बार तो ज़रूर याद करेगा कि नहीं रोटी जैसी फिल्म बनी भी है। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.